आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। कटिहार के मनिहारी बैद्यनाथपुर दियारा इलाका अक्सर अपराधियों का गढ़ रहा है। दियारा की भूमि उर्वरक होने के कारण यहां खेती करने वाले किसानों के लिए दियारा की भूमि अक्सर किसानों का पसंदीदा रहा है, मगर पिछले कुछ सालों से दियारा के इन इलाकों में अपराधियों के तांडव के कारण किसानों ने मजबूरी में खेत से मुंह मोड़ लिया या रंगदारी टैक्स देकर खेती कर रहा था। बताते चले कि दियारा में बड़े पैमाने पर तरबूज, परवल, मक्का जैसे फसल की खेती होती है और इसी को लेकर यहाँ खेती करने वाले किसानों को बतौर रंगदारी टैक्स प्रति एकड़ 4 से 5 हजार रंगदारी देना पड़ता था, लेकिन इस साल कटिहार पुलिस ने दियारा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तरह तत्पर है, जिसको लेकर किसान अब बगैर किसी डर से पुलिस की मुस्तैदी के बीच खेती कर रहे हैं। कैसे पहले मनिहारी के बैजनाथपुर दियारा में अपराधी मचाते थे तांडव और अब कटिहार पुलिस की सक्रियता से कैसे बदल गया है फिजा पर, दियारा के किसानों से बातचीत पर एक खास रिपोर्ट। क्या समस्या होता था पहले दियारा क्षेत्र में आप लोग? दियारा क्षेत्र में जी हम लोग खेती बाड़ी करते थे, कभी कोई आ गया पार्टी, कोई आ गया पार्टी, दो खर्चा पानी तो सोटी फेरेंगे, डंडा फेरेंगे, यही होते थे। कौन दे रहा है ये? बैनाथपुर दे रहा है। इस बार क्या स्थिति है अभी तक? अभी तक तो अभी ठीक चल रहा है माहौल जी। कितना पैसा देना पड़ता था एक एकड़ परवल के लिए? एक एकड़ में कम से कम धरिए कि जी 4,000-5,000 को डाक करते थे वो। इस बार अभी तक नहीं देना पड़ा? अभी देना नहीं पिया है। पुलिस अब दियारा तक आ रहा है किसानों को सुरक्षित? अच्छा, बहुत अच्छा काम है जी। क्या नाम जी? हमारा नाम है महेंद्र मंडल जी। किस किस क्या क्या चीज का दियारा में खेती होता है? परवल का, कलाई का, मसूर का, मसाला धनिया का खेती होता था ना? हाँ। क्या होता था पहले? रंगदारी कितना देना पड़ता था? रंगदारी 5,000-6,000। कितना पर एकड़ में? हाँ, प्रति एकड़ में। हाँ, एकड़ में। अब क्या स्थिति है? अभी तो नहीं है, अभी अब आगे चल के क्या होगा तब। क्या चाहते हैं जब फसल कटे तब? क्या प्रशासन के द्वारा हम लोग चाहते हैं? प्रशासन रहे उस समय? हाँ, रहे। क्या नाम है आपका? क्षेत्र में प्रशासन आया हुआ है, कैसा लग रहा है अभी? अभी ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। क्या नाम है? गणेश महतो। दियारा क्षेत्र में पहले क्या होता था आप लोग जब खेती करते? दियारा क्षेत्र में तो गाय माल को बहुत नुकसान होता है सर यहाँ पे, समझे ना? अच्छा। मतलब किसान को यहाँ पे चैन नहीं रहने मिलता है, ठीक है? और उसके बाद जो है पहले वाला जो माहौल था तो वो माहौल अभी नहीं है। कौन डराता था? अभी ठीक है। कौन डराता था पहले? जो अभी यहाँ पे बहुत आदमी आता है, अनेक आदमी आता है, एक गया तो दूसरा आया, दूसरा आया तो तीसरा गया, ऐसे चलता रहता है यहाँ पे। लेकिन अभी तो माहौल शांत है। गोली बंदूक चला के डरा के लेता? हाँ, इसे डराइए के लेता है तो क्या लेता है। अभी क्या करवा रहे हैं खेत में? अभी करवा रहे हैं परवल को। परवल लगाइए? परवल कोर रहे हैं। कौन सा दीरा? ये बजरंगपुर दीरा है। प्रशासन आपके घर तक आया है क्या? हाँ, बढ़िया है सर। और अभी तक तो जो है ठीक है, मगर आगे चल के अगर फसल मेरा कटेगा तो उस समय हमको प्रशासन रहेगा तो कम से कम सुरक्षित रहेगा, यही बात हम लोग सोचते हैं। और क्या? कौन दीरा है ये? बजरंगपुर दीरा। क्या नाम है? शंकर मंडल। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। धन्यवाद।